सतगुर रविदास महाराज की जय। संत बाबा फूलनाथ महाराज की जय। संत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज की जय। साए हुए संत बाबा फूलनाथ जी महाराज जिन्हां ने आज 68वें जन्मदिन मुख रख के संत बाबा किशन नाथ जी की रहनमई हेठ ये अज का प्रोग्राम चल रहा है। वख वख शहरां तो वख वख दरबारां तो महापुरख पहुँचे ने, संगत पहुँची है, सब नू जी आया धन्यवाद है। और टीवी चैनल जनतक टीवी चैनल सेवा करन वास्ते पहुँचे ने, अपने कैमरे के माध्यम राही देशां विदेशां दे विच बैठी जिहड़ी संगत है, गुरु प्यारो श्री गुरु रविदास महाराज का प्रचार प्रसार, धन धन संत बाबा फूलनाथ महाराज जी की महिमा का गुणगान अपने कैमरिया के चैनल के माध्यम राही अज देशों विदेशों के पहुँचा रहे ने साडे वीर, धन्यवाद है। सो आओ एक बारी गज के फतेह बुलाइए जी। संगत को बेनती है बैठने की कृपालता करो, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है जी, कैमरा इधर न घूमेगा तो जी साड़ी श्रद्धा है वो बारे पता लगेगा। सतसंग दे विच बैठना उठना बोलना चलना साधुओं की संगत करके ही आउंदा है, पता लगता है। बैठने की कृपालता करो, जिनी भी संगत खड़ी है कृपा करके बैठने की कृपालता करो। सो एक बारी गज के फतेह बुलाइए जी। जो बोले सो निरपै सतगुर रविदास महाराज की, संत बाबा फूलनाथ महाराज की जय। स्वामी मेरा हर ता केले स्वामी मेरा, निर्गुण हो गए सरगुण हो गए, हर ता केले स्वामी मेरा, निर्गुण हो गए सरगुण हो गए, हर ता केले स्वामी मेरा, निर्गुण हो गए सरगुण हो गए, हर ता केले स्वामी मेरा, निर्गुण हो गए सरगुण हो गए, हर तक ले स्वामी मेरा।
निर्गुण होके सरगुण हो गए हर थके ले स्वामी मेरा निर्गुण होके सरगुण हो गए हर थके ले स्वामी मेरा निर्गुण होके सरगुण हो गए हर थके ले स्वामी मेरा निर्गुण होके सरगुण हो गए जे तू चार पदार्थ में संकोचते हुए पावन पवित्र दरबार के विच पहुंचे महाराज जी फरमाते ने जितने कोई कदम चल के दरबार के विच आउंदा है कई करोड़ जगह का उन्हें फल प्राप्त होता है कदम कदम चल के आन वाले नूं कई जगह का फल प्राप्त होता है गुरु प्यारो गुरु की शरण के आन के नाल माड़े लेख माड़े कर्म खत्म हो जाते हैं जेड़े दब्बे कुतले लेख उगड़ जाते हैं चित्तों एकागर करके अपने गुरु की महिमा सुननी चित्तों एकागर गुरु प्यारो अपनी जेड़ी सुरती है विरती है धन धन संत बाबा फूलनाथ महाराज के चरणों के जोड़ के देखो कितना आनंद आता है सत्संग का कितना आनंद आता जे अपने गुरुआं दे अपने रहबरां दे चरणां दे विच अपनी सुरती नूं जोड़ी तरी मन विच ध्यान गुरां दी मूरत दा तरी मन विच ध्यान गुरां दी मूरत दा मन विच ध्यान गुरां दी मूरत दा हरी मन विच ध्यान गुरां दी मूरत दा करिए मन विच ध्यान गुरां दी मूरत दा करिए मन
महापुरख फरमाते ने गुरु प्यारो ये सतसंग 61 साल की तरह है। जिमें स्कूल के अध्यापक बच्चों विद्या पढ़ा है पढ़ना लिखना सिखा है तो सतसंग महापुरख रब न मिलन का रस्ता दसते हैं। रब दिया गल्ला करके रब न मिलन का रस्ता ये सुखैन जरिया सौखा तरीका रब न मिलन का सतसंग किमें बैठना किमें जपना है पले प्यारे फूल नाची महाराज गुरु प्यारो 1886 पिंड उपल जगीर पंजाब की धरती माता ज्वाली दी पावन कुख तो पिता मंगू राम जी दे ग्रह विखे अवतार धारिया संत बाबा फूल नाथ महाराज जी ने। माता पिता भी रब नूं मनण वाले जदों बाबा फूलनाथ जी का जन्म होया अवतार धारिया उस समय दी दाई चेहरे ते देखिया नूर बड़ी खुश होई ये तो कोई रब का प्यारा लगता है आम बच्चों वर्गा बच्चा नहीं जन्म तो ही ये चेहरे ते नूर। गुरु प्यारो माता ज्वाली नूं बधाइयां दिंदी है उदाई माता जोत निहंकार दी तेरे घर आई माता जोत निहंकार दी तेरे घर आई माता जोत निहंकार दी तेरे घर आई माता जोत निहंकार दी सेवक बन के सेवक बन
ही साधु सुआ गुरु प्यारो मन दे विच रब नू मिलन दा चा बचपन तो ही विराग विराग किते जंगल विच बैठ के भोरां विच बैठ के नहीं आउंदा दो सैकंड दे विच विराग दी अवस्था आ जांदी है जदों साडी सुरत जुड़ जांदी है रब दे चरणां दे नाल ते विराग आ जांदा है गुरु प्यारो जिन्नी देर मन विच विराग नहीं भगती नहीं हो सकती मन विच श्रद्धा नहीं ते सेवा नहीं हो सकती बाबा जी ने मन बना लिया भगती करके ही रब नूं मिलना है सारी जिंदगी रब वाले पासे लाउणी है बचपन दे विच गुरु प्यारो करो चाले पा दे क्योंकि विराग सी रब नूं मिलण दा मन ते हो गए बैरागी तुर चलिया जोग कमाउण दे लई मन ते हो गए बैरागी तुर चलिया जोग कमाउण दे लई मन ते हो गए बैरागी तुर चलिया जोग कमाउण दे लई चाले तुरे जा रहे ने संत बाबा फूलनाथ जी गुरु प्यारो एक नाथा दे डेरे दे उपर पहुंच गए सेवा करनी शुरू कर दी हुण वाल बस्ता दे विच जिहड़ा देखदा है बड़ा हैरान इस बालक दे मन विच इन्नी श्रद्धा इन्ना प्रेम जिसे तरह लगन लगी रही ते जरूर रब दे नाल मेल हो जाए गुरु प्यारो आपस विच लोग गल्लां करदे ने श्रद्धा दे के संत बाबा फूलनाथ जी महाराज की बचपन की श्रद्धा हुण सेवा ते सिमरन जिहड़ा मिलना कितों है गुरु तो ज्ञान लैण लई नाम शब्द लैण लई गुरु की लोड़ है गुरु बिना गत नहीं शाह बिना पत नहीं संत धूनी नाथ महाराज जी ने अपना गुरु बना लिया धूनी नाथ महाराज जी ने हुक्म कर दिता पूना जी 12 साल भगती करनी है 12 साल लगन सी नाम वाली रब नू मिलन दी संत बाबा फूलनाथ जी ने अपने गुरु का वचन मन के अन्न जल तो रह तो के बड़ी कठिन तपस्या रब कर दी कठिन तपस्या वो बड़ी कठिन तपस्या की थी अन्न बाबा फूल ना किले बड़ी कठिन तपस्या की थी अन्न बाबा फूल ना किले Yeah.
तपस्या करके जो वापस आए गुरु धोनी नाथ महाराज तो आशीर्वाद लैन लगे। गुरु जी कहते पुत्रा मैं तेन आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि मैं हूँ ग्रस्त जीवन अपना लिया है। गुरु भैरो संत धोनी नाथ महाराज ने बाबा जी ने संत योगा नाथ जी को अबोर भेज देता। जदों बाबा फूल नाथ जी अबोर डेरे ते पुजे संतां नाल मिलाप होया ब्रह्म ज्ञानी संत योगा नाथ जी महाराज उन्हां दे नाल जदों मिलाप होया पुछया भाई तैनूं भेजिया किन्ने है मेरे पास अगे उधर दिता संत फूल नाथ महाराज जी ने मेरे सच्चे गुरु जी मेहरबाना मेरे सच्चे गुरु जी मेहरबाना तेरे बाजों ना कोई मेरा टिकाना मैं ता ढूंढिया सारा जमाना फिर गुरु धोनी नाथ मिलिया सी तेरा दीवाना उन्होंने ही दसिया सी तेरा टिकाना जिथे बस स्टैंड बोरदा पैंदा उथे सच्चा साहिब जोगा नाथ जी मेरा रहिंदा संत बाबा फूल नाथ महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी संत जोगा नाथ महाराज दे उस्तत करदे कहिंदे ने सच्चे पातशाह दे करने ने दीदारे झूठियां दी लोड़ कोई ना सच्चे पातशाह दे करने ने दीदारे झूठियां दी लोड़ कोई ना सच्चे पातशाह दे करने ने दीदारे झूठियां दी लोड़ कोई ना बाबा जी दे मन की अवस्था बारे जानिया बालक जरूर दुनिया नू तारेगा दुखा नू दूर करेगा शिष्य बना लिया अपने मुख दे विचों बचन उचारे संत योगा नाथ महाराज जी ने बच्चा जेकर देखने ने अजब नजारे तू मेरी शरण दे विच आ गया जेकर दुनिया दे देखने अजब नजारे सिद्धे जावो बारह साल ही गुरु गोरख दे द्वारे उत्थे रहिंदे ने सतगुर प्यारे जेड़े बणदे ने सब दे सहारे वचन मन्या गुरु पातशाह दा बारह साल तपस्या फिर आरंभ कर दित्ती संत बाबा फूल नाथ महाराज ने गुरु प्यारो कठिन तपस्या 12 साल फिर तपस्या करके वापस डेरे ते आए अपने गुरु का आशीर्वाद लैन वास्ते। अगे गुरुदेव पिता संत योगा नाथ महाराज जी की कहिंदे बेटा फूलनाथ जदों घरों चलिया सी अपनी माता का आशीर्वाद नहीं सी लिया जिन्नी देर अपनी माता का आशीर्वाद नहीं लैंदा मैं तेनों आशीर्वाद नहीं दे सकता जा
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ, ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਮਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉੱਪਲ ਜਗੀਰ। ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ, ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੁਖੀਏ ਮੀਰ ਗਰੀਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ? ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਹਰੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਹਰੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਚਾਣ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ।
यकीन नहीं आया, विश्वास नहीं आया। महाराज दे जन्म का नाम सी भाना, पिंड नूं तुर पिया नौजवान जाके मां नूं दस्या, मां तेरा भाना पिंड तो बाहर डेरा लाई बैठा है, तेनू याद करता जा मिलिया। मां नूं विश्वास नहीं, कहिंदी मेरा भाना पुत इत्थे किवें आ गया। गुरु प्यारो जदों मां नूं पता लगा भी मेरा पुत कई सालां तों बाद पिंड तों बाहर आया, बैठा डेरा ला के, साधू बन गया, फकीर बन गया। मां पहुंच गई दर्शन करन वास्ते, जदों देखिया भी वड्डियां वड्डियां जटावां, चेहरे ते नूर, देखिया भी ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। चेहरे ते नूर देखिया, ओ मां दा जिगरा, ओ मां ने पहचान कर ली, पुत्रा तू रब नूं पाउण वास्ते गया सी। गुरु प्यारो रमजा हुंदियां, मां बाप दियां भी रमजा हुंदियां ते साधुआं दियां भी रमजा हुंदियां। कहिंदी तू रब नूं पाउण वास्ते गया सी, किन्नी कु किरपा होई है तेरे। गुरु प्यारो संत बाबा भोलनाथ महाराज जी कहिंदे, मां मैं अपने गुरु दे हुक्म अनुसार तेरा आशीर्वाद लैण वास्ते आया, मैनूं आशीर्वाद दे। बस मां सोचदी है, जदों मां ने बिरती जोड़ी, देख लिया भी अदे भगती बाकी है। मां ने बहाना लाया, पुत्रा तू घर नूं चल, मैं तेनू घर नूं लिजाण वास्ते आई है। गुरु प्यारो संत बाबा फूलनाथ महाराज जी कहिंदे, मेरे गुरु का हुक्म नहीं, मैं वे नहीं जावांगा घर। मां आशीर्वाद, मां कहिंदी पुत्र तू घर चल, फिर तेनू आशीर्वाद देवांगी। अपने गुरु का हुक्म मनना, गुरु की रजा दे विच रहना। की फायदा सत्संग करने दा, की फायदा सेवा करने दा, सत्संग करने दा, की फायदा सेवा करने दा, ओ की फायदा सेवा बाकी रही है, आशीर्वाद देण तो ना कर दे। घर नूं नहीं गए संत बाबा फूलनाथ महाराज जी, गुरु प्यारो अपने गुरु के दरबार में पहुंच गए, नतमस्तक होए। अग्यों ब्रह्म ज्ञानी गुरु जोगानाथ जी कहते, फूलनाथ वो फिर मां नूं गुस्से कर आया, आशीरवाद तो बिना ही वापस परत आया, जा हुण 12 साल फिर भगती कर। 12 ते 12 24 ते 12 36 कहिंदे 12 साल फिर भगती कर, ड्यूटी ला दिती, हुक्म कर दिता संत बाबा जोगानाथ महाराज ने। गुरु प्यारो बड़ी कठिन तपस्या करके संत बाबा फूलनाथ महाराज ने रब नूं पाया, रब नूं पाया। कई वड्डे वड्डे कौतक संत बाबा फूलनाथ महाराज ने इस दुनिया के विच दिखाए, जिहड़े आपां जाणदे ने वड्डे वड्डे कौतक। जदों अपनी मौज विच होया करदे सन संत बाबा फूलनाथ महाराज जी, किसी ने धन मंगना, पैसा मंगना, मौज होया करती है साधुआं दी संतां दी। अपनियां जटां नूं हलाउणा ते विचों पैसिआं दा ढेर लग जाणा, सोने दीआं मोहरां दा ढेर लग जाणा।
एडे बड़े बड़े गौतम संत बाबा भोलनाथ महाराज जी ने संत भेद नहीं किसे करके संगतां नूं उतारदे होए कलकत्ते गए फिर पाकिस्तान तो होंदे हुए पंजाब सो साढ़े पूजनीक संत बाबा महेंद्रपाल जी पंडवे वाले वो भी संगतां नूं आशीर्वाद देण वास्ते पहुँचे ने जी आया नूं धन्नवाद गुरु प्यारो करतारपुर दे कोल पिंड रहीमपुर विच डेरा बद्रीनाथ रह के संगतां दे दुखां नूं दूर कीता संत बाबा फूलनाथ महाराज जी फिर पिंड जतेवाली गए उत्थे संगतां दे दुख दूर करन वास्ते इक डेरा बनाया जिहनूं अज कुटिया संत बाबा फूलनाथ महाराज दे नां नाल जाणिया जांदा उस तों बाद पिंड रामूवाल मैथपुर विच लग गई अपने पिंड रामूवाल दे विच पहुंचे उत्थे दुद्ध पुत दियां दातां वंडियां संत बाबा फूलनाथ महाराज ने अज उन्हां दी याद दे विच पिंड रामूवाल दे विच अखंड पाठ साहिब कराए जांदे ने गुरु प्यारो उत्थे डेरा नहीं बनाया क्योंकि जगह नहीं मिली उस तो बाद पिंड नानक नगरी चिहड़ू जिथे अज आपां सारे बैठे हैं जिथे गुरु प्यारो अमृत वर्षा हुंदी है नाम दी अज उन्हां दे दरों घरों बरसाए हुए संत बाबा कृष्ण नाथ जी महाराज जिहड़े संगतां नूं आशीर्वाद देंदे दुद्ध पुत दियां दातां बख्श देंदे गुरु प्यारो ब्रह्म ज्ञानी रब दा रूप संत बाबा फूलनाथ जी महाराज जिन्हां ने वड्डे वड्डे कौतक दिखाए दुद्ध पुत दियां दातां बख्शियां जो किसे ने मंगिया उही पाया ਦਿਨਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ
समय की गल है इस डेरे के कुछ श्रद्धालु संत बाबा किशन नाथ महाराज जी के हुक्म अनुसार जयपुर जोधपुर पहुंचे महाराज जी के स्वरूप बनाने वास्ते मूर्तियां बनाने वास्ते मूर्तिकार नूं तस्वीर दिखाई गुरु पैरो जदों मूर्तिकार ने मूर्तियां बनाईयां डेरे दे श्रद्धालु मूर्तियां लैण वास्ते पहुंच गए जदों मूर्ति देखी संत बाबा फूलनाथ महाराज जी दी डेरे दे श्रद्धालुआं ने कहा भी ये मूर्ति कुछ सही नहीं कौतक दिखाउणा सी संत बाबा फूलनाथ महाराज ने कहिंदे भी मूर्ति सही नहीं मूर्तिकार बड़ा हैरान कहिंदा भी मैं लखां मूर्तियां बना चुका लखां मूर्तियां ऋषियां मुनियां दियां देवी देवतां दियां संतां महापुरखां दियां मैनू नहीं लगता भी मूर्ति विच कोई फर्क है जे तुहानू लगता है तो मैनू एक फोटो भेज दिओ संत बाबा फूलनाथ महाराज दी मैं दोबारा सेवा कर दिना बना दिना गुरु प्यारो डेरे दे सेवादार श्रद्धालु सेवादार जिन्हां दे विच रोशन जी रामूवाल तो मिंदरपाल जी धर्मपाल जी होर अनेक श्रद्धालु डेरे दे जदों वापस डेरे ते आए वो द्वारा मूर्तिकार ने मूर्तिकार दियां अखां दे विचों हंजू आ गए संत बाबा फूलनाथ महाराज जी दे सरूप दे अगे बैठ गया कहिंदा महाराज जी मेरे कोलों भुल केड़ी हो गई लखां मूर्तियां बनाईयां सवेरे मूर्तियां चाहीदियां मैं किवें तैयार करांगा अजे तक फोटो आई नहीं तस्वीर तुहाडी आई नहीं महाराज जी मैनू दसो मैं की करां गुरु प्यारो शहनशाह पातशाह संत बाबा फूलनाथ महाराज जी ने पहला एक धारणा लाई सी जिथे याद किया उत्थे हाजिर ने महाराज जी अंदरों याद करिए श्रद्धा दे नाल वह मूर्तिकार का दुख देख के संत बाबा फूलनाथ महाराज जी प्रगट हो गए रात के समय मूर्तिकार के अगे बैठ गए सामने बैठ गए भाई भगता रो ना असी बैठे हाँ मेरे वाल देखी जा ते मूर्ति बनाई जा संत बाबा फूलनाथ जी साक्षात सामने मूर्ति करते बैठ गए गुरु प्यारो इतिहास है कोई मिथ्यास नहीं अज भी मौजूद ने वो डेरे के श्रद्धालु जिन्हां दे नाले वाकया वरत्या वह मूर्तिकार साक्षात संत बाबा फूलनाथ महाराज वाल देख रहा है जोधपुर के जयपुर जोधपुर के विच ते मूर्ति बनाई जा रहा एक पासे महाराज वाल देख रहा तो दूसरी पासे मूर्ति घट रहा है हौली हौली करदिया मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी संत बाबा फूलनाथ महाराज जी की गुरु पैरो जदों मूर्ति बन गई संत बाबा फूलनाथ महाराज के चरणों के ढेरी हो गया मूर्तिकार महाराज जी अनेक ही मूर्तियां लखा ही मूर्तियां बनाईया इदा का कौतक अज तक मेरे नाल नहीं होया तुसी साक्षात प्रगट हो के मेरी भगत की लाज रख ली है इन्नी वड्डी मेरे ते कृपा की गुरु प्यार के चरणों के अरदास बेनती करता है वह मूर्तिकार चन्नी लग्या दी तोड़ नवाई दातिया जी चरनी लग्या दी चरनी लग्या दी तोड़ नवाई दातिया जी चरनी लग्या दी चरनी लग्या दी Yeah.
ਜੋ ਬੋਲੇ